ऐसी रेत है ना, गीली रेत है तो स्लिप आ रही है। या अल्लाह, ओ गलत है। आराम से नीचे धस रही है, आराम से आराम से। धक्का देके रुकना नहीं था। आराम से मेरी जान, निकाल निकाल निकाल, थोड़ा और निकल, आराम से। हाँ निकलना। ओह माय गॉड, रेत पे तबाही होगी गाइस। ये क्या सीन देखने को मिल रहा है। ओह माय गॉड, वो देखो, ये एक्चुअली भारी है ना रॉयल एनफील्ड, इसलिए ये धस रही है। इसको धक्का देके निकालना पड़ेगा। ये हल्की है, जो भी हल्की है वो सब निकल जाएंगी। वो देखो कौन सा वाला, हाँ ठहरो, ये भारी है बहुत यार। यार इन्होंने पता क्या किया, ब्रेक मार दिया ना बीच में, ब्रेक नहीं मारनी है, साइकिल लग रहा है, ब्रेक मार के रखना। पीछे फंस गया ना, इसको खींचो पीछे से इधर, दोनों एक दोनों उठा, तू इधर से उठा, ऐसे नहीं उठेगी यार, ये हिमालयन है। उठा ना उठा, देख दम देखता हूँ। तो गाइस हिमालयन तो हमने निकाल दी, अब हम पहले आरसी निकालते हैं। आरसी को नॉन स्टॉप हम लेते हैं और आगे किसी लोकेशन पे लगाएंगे। आओ भाई आरसी को निकालो अब। उठाओ इसको, उठा के इस साइड करो, धक्का दो थोड़ा, दस दर ही है, आगे वाला टायर भी फंसा है ना। चलो पीछे वाला उठाओ, निकाल ली निकाल ली, बट मैं कहाँ फंसा दी। फंसा दी फिर से, एक्चुअली वहां पे कोई जगह ही नहीं थी निकालने की, कहाँ निकालता। देखो जहाँ पे भी ब्रेक मारे वहां गाड़ी धस रही है, वहां पे जगह नहीं थी, वहां पे फिर फंस जाता। यहाँ पे पता क्या है, बाइक एक ही स्पीड में निकलेगी, अगर ब्रेक लगा दी तो धस जाएगी। कौसम देखो आराम से निकल रहा है, अगर ब्रेक ब्रेक लगी ना यहाँ पे, रुक गया ना, फंस गया फिर से। आने दे। नहीं नहीं कर रही है। जूते वो क्या बात है, ओ तेरी यार, ये पता कितना गहरा है, यहाँ टायर धसेगा निकलेगा भी नहीं। ये देखो मेरी टांग अगर इतनी गहरी जा रही है रेत में, खुद इमेजिन कर लो। चलो आराम से आ रहा यार, पता क्या, पाँव फंस रहा, पाँव फंस रहा है, रुको रुको। उठा लो, कहा लिया है, यहाँ दलदल है पूरा, फिर फंस गया। दो दो धक्का,
बाबा निकाल ली गाइस। एक्चुअली मैंने कहा ना यहाँ रुकना नहीं है, जो रुका वो गया। कपड़ों की तो तबाही होगी आई थिंक मेरे भी। आप देखते हैं नेक्स्ट बाइक कौन सी निकालेंगे और कौन निकालेगा। एक ना एक तो कोई गिरेगा, बट एडवेंचर ना मस्त रहा यार। भाई ला रहे हैं बाइक, एफजी पता नहीं किसकी है, ऑसम। एक ने निकाला ना, टेक्निक बताई कैसे निकालनी है, अब तो सब निकालेंगे भाई। खड़े होके एक स्पीड कांस्टेंट रखो और निकल जाओ। निकाल ली भाई ने भी। अब बची है दो बाइक, एक तो मेरी क्योंकि इसका बैली बोर्ड डाउन है और पावर ज़्यादा है, पावर की वजह से ये बीच में धस जाती है। यार सीन हो गया, मुझे पता ही नहीं है, कहीं शायद झंप में ज़ोर से लगा है जो ये नेट से है ना टूट गया है पूरा, तो अब ये निकालना पड़ेगा। इसको घर जाके निकालूँ। मैं भी सोची साउंड क्यों कर रही है बाइक, इसकी वजह से। आप मैं इसको इसलिए नहीं अभी निकाल सकते क्योंकि इसको फिर पकड़ेगा कौन, तो इसको भी ऐसे ही रखते हैं, तो घर जाके इसको निकालते हैं। ओके जाने दे, रुकना नहीं, रुकना नहीं, चेक बाद में करेंगे। निकल, अगर फंस गई ना आप कोई नहीं धक्का देने वाला। निकाल ली इसने भी। एक्सयूवी भी आ गई ऑफ रोड करने। मेरा मन कर रहा है नेक्स्ट टाइम मैं एक्सयूवी यहाँ लाऊं, बट टो होनी चाहिए साथ में। अगर टो कोई नहीं हो तो गाड़ी धस जाएगी। अब मैं निकालता हूँ अपनी KTM RC 390। अगर मेरे पास नेक्ड बाइक होती ना मैं पूरा पीछे ले जाता। इनकी एक मिस्टेक है, इन्होंने ब्रेक मारी और सारी बाइकें फंस गई। ये देव कहाँ गया, वो दूसरा कौन नहा रहा है, साहिल नहा रहा है, शाबाश। इसको हल्का, इसको और कहीं से नहीं पकड़ना, टूट जाएगी। पीछे पीछे उठ, बैठने तो दे मेरे को। ये क्या था, डड्डू वो देख। साहिल यहाँ पे क्या कर रहा है। चलो दो धक्का आहिस्ता आहिस्ता, पहले अगला टायर निकालो ना। ब्रेक मार ली, शाबाश। चलो दो हल्के से धक्का। मुझे मेरे पिछवाड़े को किस, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके मैंने अपनी बाइक यहाँ लगा ली, अब चलते हैं उन पे ऑफ रोड करने। इसकी कंडीशन देखो क्योंकि ख़राब हो गई है। ओके तो फाइनली गाइस पहुंच गए हम अपने नेक्स्ट ट्रैक पे। यहाँ से हम अब बाइक को जंप करवाएंगे, बट इसके लिए पहले हमें ये ट्रैक क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लाइंब है। अब इसको यहाँ से पहले तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये सीधा करके फिर बाइक चढ़ाएंगे ऊपर। देखते फिर यहाँ से चढ़ाएं कि आगे से चढ़ाएं, कोई एक जगह से तो ज़रूर चढ़ाएंगे। ओके तो बाइक उड़ने वाली है गाइस, तैयार हो सब। तो पहला अटैम्प्ट होने जा रहा है FZ पे, ऋतिक भाई हमारे जो महान मशहूर है हमारे स्टंट मारने पे। यार बस मुझे एक ही चीज़ का डर लग रहा है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टीप है, शॉकर पे इम्पैक्ट आना है इसका। अच्छा उनका वेट भी है ऊपर से, देखते हैं क्या होता है। खड़े होके आ जाना, बाइक उड़नी चाहिए पूरी। आ जा, स्लिप होते आ रही है, इनका टायर भी पूरा गंजा है। ओ माय गॉड, ऑसम। तो फाइनली गाइज अब हमारे दूसरे भाई आ रहे हैं हिमालयन लेके, कह रहे हैं मैं ट्राई करूँगा। वैसे हिमालयन तो बहुत आसानी से यहाँ से चढ़ जाएगी, बस मकसद हमारा ये है कि आज बाइक के पर लगा देंगे। आंदो भाई खींच के, आंदो तेज भाई, वहाँ स्किट होगी, तेज आंदो। स्लो है भाई। उनको वहीं पे स्किट हो रही है बाइक, ऐसी रेत है ना, गीली रेत है तो स्लिप मार रही है। या अल्लाह, ओ गलत है, बैलेंस नहीं बना। आराम से, नुकसान नहीं, बस पीछे हो जा।
मगर फ्लाई बाई नहीं बचा जो ये उड़ के जाना चाहता था पापा का परा। ये तो मिट्टी वगैरह यार, मिट्टी होगी उधर से इधर स्किट किए जा रही है। तो यास भाई आ रहे हैं अब, यास भाई कह रहे हैं बाइक उड़ा के दिखाऊंगा। यास भाई, यास भाई, यास भाई, एजाज भाई ने कसा कर दिया गाइस, ये देखो इस बंदे ने। वो तो कुछ भी नहीं, मेरे शॉट हो गए। वो तो नहीं है, टंकी पे चढ़ गए थे आप, टंकी पे। ओ भाई साहब देखो क्या पुठे लेटो, पुठे उल्टा के लेटो। तो मैं बाइक की पड़ी है, मुझे देखो मैं हंसू की रो भाई का। तो कहा था तुम्हें ऐसा, फिर तुम कह मानने नहीं यार, कंटेंट चाहिए था मिल गया। ये पगला है। सो फाइनली गाइस, मैंने अटेम्प्ट तो किया था बट ऊपर आके ना अनबैलेंस हो गई, क्योंकि और ऊपर से मुझे इस बाइक का एक्सपीरियंस भी नहीं था। थोड़ा सा ऐसी स्क्रैच लगी हल्का फुल्का सा, इतना चलता ही रहता है, बाकी बाइक में कोई नुकसान नहीं आया, बच गए। तो आज का व्लॉग हमारा कुछ ऐसा था। प्लीज़ इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं हम आपको एक जल्दी नई व्लॉग के साथ, नए ऑफ रोड के साथ और मस्त जक्कास वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।